और चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर यह है कि आरजीकर अस्पताल में करप्शन पर ईडी की रेड पड़ी है। बंगाल में कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर भी छापा मारा गया है। हावड़ा के सांकराइल और कोलकाता के बेलेघाट में भी रेड पड़ी है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त बंगाल से। तो आरजीकर मामले में लगातार ईडी का एक्शन जारी है। आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर भी छापा पड़ा है। वही हावड़ा के सांकराइल और कोलकाता के बेलेघाटा पर भी ये छापेमारी चल रही है। तो जिस तरीके से पूरा कांड कोलकाता का सामने आया था, अब कोलकाता से बड़ी खबर यह है कि आरजीकर केस में ईडी की रेड एक बार फिर से चल रही है। इससे पहले भी 15 ठिकानों पर रेड हुई थी। हमारे साथ हमारी सहयोगी मनोज्ञा जुड़ गई है। मनोज्ञा, क्या जानकारी मिल रही है ईडी रेड को लेकर? ईडी ने संदीप घोष के घर पर छापे मारे हैं। अब तक जो दस्तावेज मिले थे उसके आधार पर और जिस तरह की गतिविधियां रही है, जिसमें भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आ रहा है, तो पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के बिना घाटा के खुद घर पर छापा मारा है ईडी ने। इसके अलावा ईडी ने हावड़ा के संकाइल में भी छापा मारा है और साथ ही साथ आरजीकर मेडिकल कॉलेज के वित्तीय और जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहे थे और जिस तरह से मामले में सीबीआई ने इससे पहले ही संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही साथ दीपक सिंह को भी गिरफ्तार किया है, दोनों के घर पे छापेमारी हो रही है। जिस भ्रष्टाचार के मामले में ये बात साफ आ रही थी और बार बार छात्र भी आरोप लगा रहे थे कि बहुत बड़ा मामला है जिसमें लिप्त है पूरी तरह से न सिर्फ संदीप घोष बल्कि बहुत सारे और भी लोग। ऐसे में ईडी दस्तावेज के साथ ये जानने की कोशिश कर रही है कि ये भ्रष्टाचार किस स्तर का है और इस छापेमारी में बहुत बड़े खुलासे होने की संभावना है। जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी और अपडेट्स देने के लिए।